वन विभाग की टीम ने तोता तस्कर को 205 तोतों के साथ गिरफ्तार किया। वन विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, थानागंज पुलिस के साथ मिलकर तस्करी कर ले जा रहे 205 तोतों के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अभियुक्त कार में रखकर 200 ज्यादा तोते जो तस्करी करने जा रहा था। वन विभाग की टीम को पिछले कई दिनों से इस तोता तस्करी के आरोपी की तलाश थी। बहरहाल आज वन विभाग की टीम को सूचना मिली कि एक कार में काफी तोते रखकर एक अभियुक्त तस्करी को लेकर जाने वाला है। इस सूचना पर वन विभाग ने और थानागंज पुलिस ने मिलकर तमन्ना बैंकेट हॉल के पास एक कार को ओवरटेक कर रोका, जिसमें लगभग 205 जंगली तोते थे। वन विभाग की टीम ने तुरंत ही सभी तोतों को कब्जे में लिया और कार में सवार एक आशु नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया और वन विभाग की टीम ने तोतों को जंगल में ले जाकर उड़ा दिया। इससे पहले भी वन विभाग की टीम ने तोता तस्करी को ले जा रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। बहरहाल ये भी एक बड़ी कामयाबी है वन विभाग की। सर, वन विभाग की टीम ने 200 के लगभग तोते पकड़े हैं, क्या मामला है? देखिए, परसों रात हमारे पास सूचना थी कि मुखबिर खास से कि कुछ लोग तोते की तस्करी कर रहे हैं, और ये सूचना हमारे पास पहले से थी और हमारी टीम इसके ऊपर लगी हुई थी। काफ़ी दिन से हम लोग काम कर रहे थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इस जो अभियुक्त है उसको मैं तोतों के साथ गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि लगातार ये पहले भी इन घटनाओं में लिप्त रहा था। तो जैसे ही हमें सूचना मिली कि रात में ये आदमी तोते लेके कुछ एक पॉर्स गाड़ी में निकलेगा, तो हमारी टीम लग गई थी और इसको तमन्ना रिजॉर्ट पर था, एक स्वार रोड पे, वहाँ पे हमारी टीम ने इसको ओवरटेक करके इसको पकड़ा। तो पकड़ने के बाद ये कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। उसी गाड़ी में तोते मिले, उन तोतों की संख्या की गई तो लगभग 205 थे, और उसके बाद इसमें हमें पुलिस का भी सहयोग मिला। तो पुलिस और हमारे द्वारा ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया, और जो वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसके तहत जो उसमें धाराएं होती हैं, काफ़ी संगीन धाराएं होती हैं, उसमें इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, और तोतों को प्राकृतिक वास में छोड़ने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति ली गई, और अनुमति प्राप्त होने के बाद सकुशल उसको पीपली जंगल में छोड़ दिया गया। कितने लोग गिरफ्तार करे? देखिए, इसमें एक आशु नाम का व्यक्ति था जो सरकथल का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार किया गया, वो अभी जेल के सलाखों में है, और अन्य अभियुक्तों की जाँच की जा रही है उसके बयान के आधार पर।